हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल बायो वी कर तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे बी एच यू पोस्ट एंट्रेंस टेस्ट दो हज़ार उन्नीस का क्वेश्चन पेपर फॉर द कोर्स एम एस सी प्लान बाय टेक्नोलॉजी सो दिस वीडियो इज कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस वीडियो प्रीवियस वीडियो में हमने थर्टी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे एंड इन टूडेज वीडियो हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे सो वे सॉल्व और डिस्कस द क्वेश्चन आफ्टर थर्टी तो हम थर्टी से सिक्सटी के अराउंड जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो लेट्स प्रोसीड

सो दैट इन the फॉर्म ऑफ अमोनिया इट कैन easily बी assimilated by plants अब होता क्या है denitrification mein में नाइट्रेट जो हमने नाइट्रोजन गैस से नाइट्रेट नाइट्राइट बनाया फिर नाइट्रेट बनाया और फिर जो अमोनिया बनाते हैं डिनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट से फिर से नाइट्रोजन गैस बन जाती है जिसकी वजह से जो हमारे बायोवेलेबल नाइट्रोजन बोले या फिर वो फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन विच कैन बी एसिमुलेटेड बाई जो है वो रिड्यूस हो जाती है उस प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन बोल रहे हैं हाँ पे। uh, so, यहाँ पे ऑफ डी मोस्ट कॉमनली अकर्स इन वेट और वाटर लॉक्ड सॉइल्स वेट ऑक्सीजन सप्लाई और रेस्पिरेशन ऑफ माइक्रो रिस्ट्रिक्टेड अब ऑक्सीजन यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमने कैसे रिलेट कर दिया है डीनाइट्रिफिकेशन को Uh, क्योंकि uh, हमने अभी बात करी थी कि नाइट्रोजन गैस uh, जो है डायरेक्टली इट के नॉट बी बीमलेटेड बाय प्लांट्स तो हम उसको फिक्स करेंगे या फिर अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इट इज आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया हो गए हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज लाइक नाइट्रोजोमोनास नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोकोकस अब वाटर लॉक्ड लॉक्स में क्या होता है ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है तो फिर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए uh, जो मेन चीजें हमको रिक्वायर है ऑक्सीजन वो ही अवेलेबल नहीं है तो इसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाता है और डीनाइट्रीफिकेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है वाटर लॉक्ड सोइल में सो दैट्स व्हाई ऑप्शन टू इज करेक्ट आंसर डीनाइट्रीफिकेशन इज मोर इन वाटर लॉक्ड सोइल्स क्वेश्चन नंबर 32 जनरली इन प्लांट सेल द माइटोकॉन्ड्रिया हैज द डैश पीएच साइटोसोल हैज द द स्पीएच And, uh, has this pH. और लाइजोजोम uh, so हमको पता है लाइजोजोम में हमारे हाइड्रोलिक इंजाइम होते हैं तो थोड़ा आसरच हमको मिलेगा फोर पॉइंट सेवन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री the indian seed act was enacted in which year Options, option 1 1966 option 2 1967 option 3 1968 and option 4 is 1969 so correct answer is option number 1 indian seed act was enacted in 1966 question number 34 golden yellow color of tag is represented by which class of seeds तो यहाँ पे जो है हमको ऑप्शन में हमको कुछ सर्टिफाइड सीट्स के टाइप uh, दिए हुए हैं और इन सर्टिफाइड सीट्स जो है हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर टैग तो हमसे पूछा है कि येलो कलर का जो टैग है वो हम कौन सी सीट के लिए यूज में लेते हैं तो ऑप्शन में हमें गिवन है फाउंडेशन सीट सर्टिफाइड सीट रजिस्टर्ड सीट एंड ब्रीडर सीट सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर ब्रीडर सीट ब्रीडर सीट के लिए हम गोल्डन येलो कलर का टैग जो है वो यूज करते हैं एज इट्स रिप्रेजेंटेशन बाकी ऑप्शंस जो हैं हम इनके भी एक बार कलर टैग के बारे में देख लेते हैं सो फाउंडेशन सीड का जो कलर टैग होता है इट इज वाइट इन कलर सर्टिफाइड सीड हैज ब्लू कलर्ड फ्लैट कलर्ड फ्लैग टैग रजिस्टर्ड सीड्स का पर्पल होता है और ब्रीडर सीड्स का तो गोल्डन येलो हमने अभी देखा ही है क्वेश्चन नंबर 35 द सर्टिफाइड सीड द मैक्सिमम स्टैंडर्ड फॉर जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ सोयाबीन इज सर्टिफाइड सीड्स में मैक्सिमम कितना परसेंटेज है जर्मिनेशन का सोयाबीन के लिए ऑप्शन है 70 परसेंट एटी परसेंट नाइन्टी परसेंट एंड 60 परसेंट सो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन वन हो जाएगा 70 परसेंट क्वेश्चन नंबर 36 मैक्सिमम आइसोलेशन डिस्टेंस इन हाइब्रिड बाजरा फॉर फाउंडेशन सीड एज ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन वन फाइव हंड्रेड एम ऑप्शन टू थाउजेंड एम ऑप्शन थ्री एंड ऑप्शन आइसोलेशन डिस्टेंस तो हमसे पूछा है मैक्सिम हम कितना सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू थाउजेंड एम क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन पार्टिकल साइज एनालिसिस इन सॉइल सैम्पल इज परफॉर्म बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्शन आर

जिससे हम अपने सॉइल के टाइप के बारे में हम काफी चीजें जान सकते हैं सो ऑप्शन फोर इज करेक्ट आंसर एट प्रिंसिपल क्वेश्चन नंबर थर्टी एट फॉर्मेशन ऑफ वेल डिफाइंड एफिमेर चैनल कॉज बाय स्लिट लेडन रन ऑफ इज मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑप्शंस आर ऑप्शन वन गली सॉइल ऑप्शन टू रिल सॉइल ऑप्शन थ्री शीट सॉइल एंड ऑप्शन फोर इज स्ट्रीम बैंक सॉइल तो यहाँ हमसे पूछ रहा है एफीमेर चैनल रन ऑफ सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन गली सॉइल गली की वजह से जो है क्रिएट होते हैं यहाँ पे एक बार देख लेते हैं होता क्या है सो एफी मेरल इज अ चैनल फॉर्म्ड बाय वाटर ड्यूरिंग और इमिडिएटली आफ्टर प्रेसिपिटेशन बोले या रेनफॉल बोले एज इंडिकेटेड बाई एन एबसेंस ऑफ फॉरस्ट लेटर एंड एक्सपोजर ऑफ मिनरल ऑयल सो रेनफॉल की ट्यूरिंग या फिर इमीडिएटली उसके बाद हैवी रेनफॉल की वजह से सॉइल में चैनल्स क्रिएट हो जाते हैं और क्योंकि डायरेक्टली रेन वाटर फॉल कर रहा है तो उस चैनल जो होगा वहां पे हमको क्या नहीं मिलेगा देखने को मिनरल मिनरल नहीं मिलेंगे फॉरेस्ट लेटर नहीं मिलेगा तो उन चैनल्स को हम एफी मेरल बोल रहे हैं और हमसे पूछा है कौन सी सॉइल में क्रिएट होते हैं सो करेक्ट आंसर इज गली सॉयल गली सॉइल में हैवी रेनफॉल uh, की वजह से हमें एफी मेरल चैनल्स देखने क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन द क्लासिकल बुक ऑरिजिन ऑफ मैंडलिज्म ऑप्शन टू आर सी ऑप्शन थ्री टी एच मॉर्गिन ऑप्शन ह्यूगो टू आर सी ऑल बी ऑरिजिन ऑफ मैंडलिज्म वॉज रिटन बाय आर सी ऑल बी क्वेश्चन नंबर फोर्टी साइनोबैक्टीरिया इज एस ऑप्शन है हमारे पास अजोला एजोस्पायरलम

तो यहाँ हमसे उस एलिमेंट के बारे में पूछा है जो प्लांट में इजीली एक्यूमुलेट भी हो सकता है बट एम नॉट श्योर अबाउट दिस दिस क्वेश्चन बट अकॉर्डिंग टू मी इट शुड है प्लांट्स की बॉडी में स्टोर हो सकता है इन आंसर ऑफ this क्वेश्चन इफ यू नो द आंसर प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्वेश्चन नंबर forty two. इफ द वैल्यू ऑफ अर सेट आर मेजरमीटर सेंटीमीटर स्कवायर सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन वन होगा नो यूनिट वेरियंस क्या होता है एक बार ये देख लेते हैं सो वेरियंस इज अ मैजर ऑफ डिस्पर्जन मीनिंग इट इज मैजर ऑफ हाउ फार सेट ऑफ नंबर इज स्प्रेड आउट फ्रॉम दैल्यू ये जो क्वेश्चन है बायोस्टेट का है Uh, तो हमारी एवरेज वैल्यू देखें मीन वैल्यू देखें उससे कितना डिस्पर्जन हो रहा है या फिर कितना डेविएशन हो रहा है उसका मेजर जो होता है अपना वेरियंस होता है और नॉर्मली जो वेरियंस की यूनिट होती है वो हम मीन का ही स्क्वायर ले लेते हैं नॉर्मली ऐसा करते हैं बट सेंटीमीटर के केस में इसकी कोई यूनिट हम मानते नहीं है सो डोंट कंफ्यूज इट विद ऑप्शन थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर ऑप्शन वन होगा नो यूनिट no

and the data expected if there is no difference to ye hamare actual data aur obtained data expected data ke beech ka difference hai ab yahan pe hame condition kya boli hai ki hamari frequency observed jo hai sari classes ki same hai ab kyunki hamari frequency same hai observed as well as expected तो यहाँ पे जो difference होगा chi square में वो कोई difference हमें देखने को मिलेगा ही नहीं तो value अपने आप zero आ जाएगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारी बोल रहा है सेम है तो फिर एक्चुअल डेटा डेटा एक्सपेक्टेड के बीच में कोई डिफरेंस पॉपुलेशन कैपिटल ए कैपिटल ए इज सेवेंटी कैपिटल ए स्मॉल स्मॉल ए स्मॉल ए इज थर्टी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है हार्डी विंगवर्क प्रिंसिपल से हम इजीली

Homogeneity of several variances can be tested by options are option 1, Barlitz test, option 2, Fisher-Exec test, option 3, F test and option 4 is T test. So, this homogeneity of uh, several variants that can be uh, tested by Barlitz test. So, option 1 is correct answer. Question number 47. So, Mendel did not observe linkage because of synapses, independent assortment, mutation and crossing over. तो मैंडल ने लिंकेज ऑब्जर्व नहीं की थी बिकॉज हिज मेन फोकस वाज़ ऑन इंडिपेंडेंट अजॉर्टमेंट हाउ जीन्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एट द टाइम ऑफ गेमिट फॉर्मेशन जिसकी वजह से वो लिंकेज ऑब्जर्व नहीं कर पाया था सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू इंडिपेंडेंट अजॉर्टमेंट क्वेश्चन नंबर फोर्टी द डाई हाइब्रिड रेशियो ऑफ मास्किंग जीन एक्शन एज ऑप्शन है हमारे पास ट्वेल्व ऑप्शन टू नाइन रेस टू सिक्स रेस टू वन थर्टीन रेस टू थ्री एंड फोर्टीन रेस टू टू तो रेशियो देखने से पहले ये पता कर लेते हैं कि कौन सी मास्किंग जीन टू जीन इंटरेक्शन में हम पढ़ते हैं सो एपिस्टैटिक जीन का जो है इट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट थर्टीन रेस टू थ्री रेशियो पे फिर से क्वेश्चन पूछा गया है हमसे जीन टू जीन इंटरेक्शन में 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था वो हमने सॉल्व किया था वहां भी हमको काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे आप स्टेटिक जीन से को के नॉर्मली इन चीजों के रेशियो पूछ लिए जाते हैं आपसे प्लीज पे अटेंशन टू दिस पार्ट ऑफ जेनेटिक्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन बारनीज बारस्टार सिस्टम इज नोन फॉर ऑप्शन वन मेल स्टेरिलिटी ऑप्शन टू सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ऑप्शन थ्री ओपन पॉलिनेशन ऑप्शन फोर सेल्फ पॉलिनेशन सो दिस सिस्टम इज एक्चुअली नोन फॉर मेल स्टेरिलिटी फॉर प्रोड्यूसिंग सीड्स दिस मेल स्टेरिलिटी फीचर इन दैम सो ऑप्शन वन इज करेक्ट आंसर तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं बारनी बिस्टम होता क्या है

Which of the following chemical enhances virulence gene expression? Option one is cyanogen, option two is glutamine, option three is acetosyringine, and option four is dextrin. Now, everyone should know this that among few chemicals, acetosyringine is one of them which enhances uh, the expression of virulence gene in plants. Now, what is It is a phenolic compound uh, secreted in the wounds of plant. अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो स्टेम कटिंग जो होती है थिक स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ वाली जो स्टेम होती है उसकी कटिंग में आपको एक रेड uh, uh, है आपको देखने को मिलता है रेड एसिडोरजीन इज प्रेजेंट एंड दिस केमिकल इट एक्सप्रेशन ऑफ सो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट एसिटोरजीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन अंडर इन विटर प्रोपोगेशन मैथड बायपोलर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इनिशिएशन इज नोन एज ऑप्शन वन ऑर्गेनोजेनेसिस ऑप्शन टू एम्ब्रियोजेनेसिस ऑप्शन थ्री कैलोजेनेसिस एंड ऑप्शन फोर इज एंड्रोजेनेसिस तो यहां हमसे बोला है बायपोलर डेवलपमेंट हो रही है प्लांट इनिशिएशन की सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू एम्ब्रियोजेनेसिस बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या क्या होता है डेलमेंट की जो स्टेज होती है प्लांट में कैलस होता है फिर कैलस धीरे धीरे कैलस इज द मास ऑफ अंडिफ्रेंशियटेड टिश्यू

अगर हमको हेप्लॉइड प्लांट जो है उसको हमें डेवलप करना है उसके लिए हम एंड यूज में लेते हैं सिंपल मेल ऑर्गेन से एक पूरे प्लांट को डेवलप कराना इस एंड्रोजेनेसिस सिंपल टर्म से बोला जाए क्वेश्चन में हमसे पूछा है बायपोलर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोजिनेसिस बायपोलर कैसे हो रही है शूट का फॉर्मेशन एज वेल एज रूट का फॉर्मेशन तो हमारी जो ग्रोथ है जियोटोपिकल भी हो रही है पॉजिटिव जियोट्रॉपिकल भी हो रही है नेगेटिव जियोट्रॉपिकल भी हो रही है दैट्स व्हाई uh, हम बायपोलर डेवलपमेंट बोल रहे हैं तो uh, हमारा जो आंसर है एग्जाम योर जेनेसिस क्वेश्चन नंबर 52 सैटेलाइट डीएनए इज वन व्हिच इज ऑप्शंस है हमारे पास ऑप्शन 1 प्रेजेंट इन सैटेलाइट क्रोमोसोम ऑप्शन 2 प्रेजेंट इन वी क्रोमोसोम ऑप्शन 3 वेरी लार्ज

सेम कोड वाले दे रिपीट देम सेल्व फॉर्म फॉर्मिंग द सेटेलाइट डी एन ए सो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट एंड इट इज फाउंड इन द नॉट इन दूक्रोमैटिक रीजन में नहीं मिलता है ये हमको हेड्रोक्रोमैटन रीजन में मिलता है या फिर हम बोले हाईली कंडेंस्ड पार्ट जो होता है प्रोमोजोम का उसके अलावा ये हमको टीलोमेयर वाले रीजन में भी मिलता है ट्रोमोजोम का जो एंड वाले रीजन होते हैं टीलोमेयर सेल्सो फाउंड सो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट

एमआरएनए जो है वो फर्दर चल के प्रोटीन बनाएगा उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए कैसे रेगुलेट करते हैं एमआरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तब मेरी जीन जो है वो एक्सप्रेस करेगी अपने आप को प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस करती है जीन्स इस स्टेज पे क्या होता है आरएनए इंटरफेरेंस में एमआरएनए से प्रोटीन को बनने ही नहीं दिया जाता है तो ये एक तरीके से जीन साइलेंसिंग रेगुलेशन होता है आ, काफी और में मिलता है So iron difference is used for gene silencing. Option 1 is correct. 54 question In the gametophytic self incompatibility, the S locus products are options are synthesized after completion of meiosis, option 2, synthesized before the completion of meiosis, option 3, synthesized before the flower development in sporophyte cells, option 4, synthesized after the double fertilization. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन गेमिडोफाइटिक सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी वाली जो uh, जीन होती है ये एस लोकस पे ये इट इज सिंथेसाइज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस होता क्या एक बार थोड़ा सा ही देख लेते हैं सो सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी जो होती है फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं दे शो दिस फिनोमेना इस फिनोमेना में क्या होता है कोई भी प्लांट है उसका पोलन ग्रेन जो है वो उसकी स्टिग्मा पे पोलन uh, ट्यूब नहीं बना पाएगा जिससे कि वो सेल्फ पॉलिनेशन से बचाती है अपने आप को तो एक फिनोमिना होता है जिससे प्लांट खुद के फ्लावर्स uh, को सेल्फ uh, खुद को ही मतलब सेल्फ पॉलिनेशन से बचा रहा है ताकि खुद के जो उसके पोल हैं वो उसके स्टिग्मा पे ग्रो ना कर पाए तो इट इज अ फिनमिन इन विच पोल फ्रॉम द सेम स्पीशीज इज रिकनाइज पोल्स को रिकोगनाइज कर लिया जाता है तब वो स्टिग्मा पे आते हैं एंड दे आर रिजेक्टेड बाय द स्टिग्मा स्टेगमा उनको रिजेक्ट कर देता है सेम स्पीशीज के है तो सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी इज कंट्रोल बाय द जीन्स एट द एस लोकस और जो सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी की जो जीन होती है वो हमें एस लोकस से मिलती है और हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रोडक्ट uh, कब बनता है इस लोकस का एस लोकस जीन का प्रोडक्ट कौन सी स्टेज में बनता है सो इट इज फॉर्मड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस एक फिनोमिन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए ताकि वेरिएबिलिटी जो है प्लांट की स्पीशीज में देखने को मिले क्वेश्चन 55। जीन ट्रांसफर जीन्स आर इंसर्टेड इन टी डी एन एस ऑप्शनिंगजन रिक्वायर्ड फॉर वायरलेंस ऑप्शन थ्री The -DNA has which helps in the host DNA. तो ऑप्शन थ्री जो है वो अपना सही है हमको पता है हम प्लाज्मे में इंटीग्रेशन पड़े या फिर ट्रांसपोजिशन देखते हैं काफी जो फिनल देखते हैं जीन ट्रांसफर के यहाँ पे मेन स्टेप यही होता है या फिर बोले फर्स्ट स्टेप फ्लैंकिंग सीक्वेंस जो है हमारे फ्लैंक कॉर्नर वाले जो होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं स्टिकी एंड कैसे भी हम बोले

इनको हम डिफरेंशिएट ही इस तरीके से करते हैं नंबर ऑफ रिपीट्स के बेसिस पे तो इट इज सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स या फिर माइक्रो सैटेलाइट बोलें वो एसएसआर हो गया है नेक्स्ट एसटीएस सीक्वेंस टैग साइट्स टैग साइट्स जो हमारी पर्टिकुलर डीएनए में प्रेजेंट्स होती हैं आरएपीआर इज रेंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए इट इज आल्सो अ पीसीआर बेस्ड टेक्निक व्हिच यूजेस आर्बिट्ररी प्राइमर्स जो की हमारे नॉन स्पेसिफिक का नहीं पता है, है और फिर वो डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं या अनिल कॉपी बनाने में

फैमिली बोल रहे हैं तो फैमिली का क्रिएशन ही ऐसे होता है सिंगल से डबल डबल से फिर ऐसे फर्दर चल के तो यहाँ फैमिली फॉर्म होती है एक सिंगल हम ओरिजिनल जीन लेते हैं सिंगल जीन उसके फर्दर डुप्लीकेशन से हम एक सिमिलर जीन्स की पूरी फैमिली बना लेते हैं जिसको हम जीन फैमिली बोल रहे हैं वी नो हेप्लॉयड हमारा सेट ऑफ प्रोमोजोम इन सेट ऑफ प्रोमोजोम को हम हेप्लॉयड कंडीशन बोलते हैं या बोले हाफ सेट वन सेट ऑफ प्रोमोजोम

फर्स्ट इज डी नेचुरेशन एंड अदर इज डिग्रेडेशन सो डी नेज नॉर्मली सेपरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू टू सेपरेट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और नॉर्मल कंडीशन आने पे वो फिर से जो है अनिल होके, फिर से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लेंगे बट डिग्रेडेशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ डी या फिर डी को डिस्ट्रॉय करना या फिर डैमेज करना इज डिग्रेडेशन ऑफ डी सो से हमने हमसे पूछा है कौन सी सिचुएशन फेवर नहीं करती है डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए सो ऑपन वन फेवर्स डी ने बिकॉज टीएम है मेल्टिंग टेम्परेचर डी एन ए का वो हंड्रेड से कम होता है ऑप्शन टू इज एडिंग हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सो एन ई सी एल इज बेसिक एन ए सी एल हम एड करेंगे हाई कंसनट्रेशन तो हमारा सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा पी एच इंक्रीज हो जाएगा और हाई पी एच पे या बेसिक पी एच पे क्या होता है डी एन ए डी नेचर हो जाता है सो ऑप्शन टू जो है इट ऑल्सो फेवर्स डी ने नो ऑप्शन थ्री इज डिक्रीजिंग द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन थ्री हो जाएगा क्योंकि व्हेन वी डिक्रीज द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन तो हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है डी एन का वो इंक्रीज हो जाता है अब यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो कंडीशन है इट इज नॉट फेवरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ डी ये इसके अगेंस्ट डेबल की सो दैट्स ऑप्शन व्री इज करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर इज फिर से है ट्रीटमेंट विद टू टू रेज और हमने अभी देखा है ऑप्शन टू भी सेम ही था दैट एट हाई पीएच या फिर बेसिक पीएच पे डीएनए जो है वो हमारा डीनेचर हो जाता है सो ऑप्शन फोर इज आल्सो फेवरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ डबल डीएनए सो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम मेल गेमिट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज मेल गेमिट से पूछा है तो ऑप्शन है हमारे पास एंड्रोजेनिक एम्प्लॉय ऑप्शन टू इज डाइनोजेनिक ऑप्लॉइड ऑप्शन थ्री इज एपोस्पोरिन ऑप्शन फोर इज एपोगेमी सो ऑप्शन वन इज करेक्ट आंसर एंड्रोजन हमको पता ही है मेल पार्ट के लिए ही हम यूज लेते हैं सो so, नाम से पता लग रहा है सो ऑप्शन वन इज करेक्ट आंसर एंड्रोजन।